हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि योग क्या है, कहां से शुरुआत हुआ और इसका योग का अर्थ क्या है, और योग की विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं अपने अपने अनुसार, और अष्टांग योग क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, जो आपके योग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी के आधार पर शॉर्ट में बताया जाएगा, पूरा डिटेल में नहीं बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी स्टेट के, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीएलटी, राजस्थान पीटीआई, डीएसएसबी, कोई भी हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज मेरे चैनल पे हैं। सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, 100 से ज्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर बनाए गए हैं, उसका प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। एंड दोस्तों, डेली बेसिस पर सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कराया जा रहा है, उसका भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए जानते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं और जानते हैं कि योग क्या है। जैसा कि दोस्तों, योग जो है वो भारतवर्ष की देन है, और इसकी उत्पत्ति के जो प्रमाण हैं उसके अनुसार ये सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ है, जो 3000 ईसा पूर्व में था। जैसे कि इसका वर्णन जो है वेदों, उपनिषदों, रामायण तथा महाभारत में योग क्रियाओं का वर्णन मिलता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, योग सूत्र जो पुस्तक है, इसकी रचना महर्षि पतंजलि ने 147 ईसा पूर्व में लिखा था। इसी के अंतर्गत इन्होंने अष्टांग योग के बारे में, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में इन्होंने बताया है। एंड दोस्तों, योग प्रदीप की रचना श्री अरविंद ने किया है। जैसा कि बार बार पूछा जाता है कि योग सूत्र की रचना किसने की है, तो महर्षि पतंजलि ने। कब किया? तो 147 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब ये भी पूछा जाता है कि अष्टांग योग का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है और किसने किया है, तो योग सूत्र में किया गया है, महर्षि पतंजलि ने किया है इसका वर्णन। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि योग का अर्थ क्या है। तो हम जानेंगे कि योग शब्द की जो उत्पत्ति है वह संस्कृत के यूज धातु से हुई है। किससे? यूज धातु से योग शब्द की उत्पत्ति, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलना, या मिलन या संयोग। ठीक है, योग मतलब मिलना या जुड़ना, योग मतलब जोड़ना। तो संस्कृत की युज धातु से इसका उत्पत्ति हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। ठीक है, यह यानी कि जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण हो जाना ही क्या है, योग है। यानी कि यह मनुष्य की चेतना के विकास का विज्ञान है योग, और इसका अर्थ होता है कि मानव के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक पहलुओं का एकीकरण भी क्या है, हमारा योग है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या समझे कि योग संस्कृत के युज धातु से है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी कि जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण होना। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों कि योग की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार क्या दिया है। तो योग की परिभाषा महर्षि पतंजलि ने दिया है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि हमारे जो चित्त की वृत्तियां हैं उसको पूर्णतया रोक देना ही योग कहलाता है। ठीक है, जो हमारे चित्त की यानी कि मन की जो वृत्तियां हैं हमेशा कहीं ना कहीं दौड़ती रहती हैं इधर उधर, उस सबको एकीकरण कर देना, ठीक है, इधर उधर भटकने से बचाना ही क्या है, योग है। ये कहे हैं पतंजलि। ये परिभाषा बार बार पूछा जाता है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, यह योग की परिभाषा किसने दिया है, तो महर्षि पतंजलि ने। नेक्स्ट परिभाषा है वेद व्यास के अनुसार। वेद व्यास कहते हैं योग समाधि है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, योग समाधि है। नेक्स्ट परिभाषा है डॉक्टर संपूर्णानंद, इन्होंने कहा है कि योग आध्यात्मिक काम धेनु है। क्या है? योग आध्यात्मिक काम धेनु है। और एक परिभाषा और इन्होंने दिया है कि आत्म संस्कार का एकमात्र उपाय योग है। ठीक है, तो संपूर्णानंद ने योग को आध्यात्मिक काम धेनु कहा है और आत्म संस्कार का एकमात्र उपाय बताया है।
ठीक है। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि योग कर्मसु कौशलम। क्या कहा है? योग कर्मसु कौशलम। जैसा कि आप जानते हैं कि भागवत गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कहा गया है कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। तो कर्म के बारे में मेन भगवत गीता में बताया गया है, उसी के अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण ने योग के बारे में कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, यानी कि कार्य करने की निपुणता ही योग है। तो ध्यान में रखिएगा। आगम ने कहा है कि शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान ही योग है। भारतीय कृष्ण तीर्थ ने कहा है कि भगवान से व्यक्ति की एकता ही योग है। योग शास्त्र में कहा का योग शास्त्र में कहा गया है कि सभी चिंताओं का परित्याग करके निश्चिंत हो जाना ही योग है। फिर कठोपनिषद में कहा गया है कि इंद्रियों की स्थिरता को ही योग माना गया है। जिसकी इंद्रिय स्थिर हो जाती है वह अप्रमत्त हो जाता है, यानी कि योग का अर्थ है प्रभाव तथा शुद्ध संस्कारों की उत्पत्ति एवं शुद्ध व अशुद्ध का विनाश। एंड दोस्तों, ऑक्सफोर्ड शब्द कोश के अनुसार योग हिंदू जाति की दार्शनिक ध्यान अवस्था व संन्यासवाद की प्रणाली है, जिसमें भक्त को परमात्मा के साथ मिलन का मार्ग बताया जाता है। वेदों में कहा गया है योग के बारे में कि योग एक ऐसी विधि है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकता है तथा अपनी जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा है कि योग वह पूरा तंत्र पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। ध्यान दीजिएगा इस परिभाषा को, यह पूछ सकता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने योग के बारे में क्या कहा है कि योग वह पूरा तंत्र पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश की ओर लाता है। एंड नेक्स्ट परिभाषा है कि योगी रामचरक जी ने कहा है कि हम सभी अनंत शक्ति के स्वामी और योग हमें इसी शक्ति के रहस्य से परिचित कराता है। ठीक है, अब हमने समझा कि योग क्या है, योग का अर्थ क्या है, योग की परिभाषा किसने क्या क्या दिया है, इसको हमने समझ लिया। यानी कि दोस्तों, योग द्वारा समाधि अवस्था में पहुंचने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, योग दर्शन में योग राजयोग भी बताया गया है तथा योग मार्ग के लिए इसमें 8 सीढ़ियां बताई गई हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अष्टांग योग। तो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में जो राजयोग के अंतर्गत आता है उसमें उन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया है। ठीक है, तो अष्टांग योग क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि दोस्तों, अष्टांग योग के सभी अंगों के वर्णन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट इसमें थोड़ा सा उसका परिचय दे देती हूँ कि अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में राजयोग के अंतर्गत, अष्टांग योग के अंतर्गत कौन कौन से चीजें उन्होंने बताया है। तो अष्टांग योग से योग के कितने चरण बताए हैं? 8 चरण। ठीक है, अष्टांग, अष्ट मतलब 8, 8 अंग बताए हैं। ठीक है, तो योग के शरीर मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के 8 चरण हैं। यह कौन कौन से चरण हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 चरण हैं जो अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। इसमें से 5 चरण यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को बहिरंग यानी स्थूल साधन बताया गया है। एंड 3 चरण जो है धारणा, ध्यान, समाधि, इसको अंतरंग यानी सूक्ष्म साधन बताया गया है। तो दोस्तों, आज हमने जाना योग क्या है, योग की उत्पत्ति कैसे हुई, योग का अर्थ क्या है, योग की परिभाषा क्या है, और अष्टांग योग के अंतर्गत कौन कौन से चरण आते हैं। एंड दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि अष्टांग योग के इन चरणों का क्या क्या काम है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एंड दोस्तों, जो भी
क्वेश्चंस होगा आपके मन में, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड दोस्तों, जितने भी योगा से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट हैं एंड क्वेश्चंस हैं, उसको पूरा करके ही दूसरा पार्ट बताऊंगी। तो आप लगे रहिए मेरे चैनल पे डेली बेसिस पे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।